क्या आप अपनी डेडलाइंस को बार बार मिस करते रहते हैं? डू यू प्रोक्रेस्टिनेट? आर यू पंक्चुअल? दीज आर सम ट्रेट्स जो ये कहते हैं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इन आर सोसाइटी एक बिजी पर्सन को बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन मान लिया जाता है कि बहुत ही सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, बट द रियल थिंग इज दैट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम प्रॉपरली। रिमेंबर, बीइंग बिजी डजंट मीन बीइंग इफेक्टिव। द इफेक्टिव पर्सन इज द वन हु इज इफेक्टिवली मैनेजिंग देयर टाइम एंड फिनिशिंग देयर टाइम विद इन द टाइम लिमिट्स, बीइंग पंक्चुअल एंड हैविंग देयर ओन लाइफ बैलेंस टू। सो वॉट इज बेटर, बीइंग बिजी और बीइंग इफेक्टिव? टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। ये लगभग सभी को पता होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि हम खुद ही अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देर आर सम ट्रेट्स जैसे कि आपकी जो डेडलाइंस हैं काम की वो बार बार आगे बढ़ती जा रही हैं, आप अपने टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं हैं, हमेशा रश में रहते हैं आप किसी भी काम को करने के लिए, बर्नआउट रहते हैं। बर्नआउट का मतलब आपकी एनर्जी आपको कम फील होती है क्योंकि आपकी सारी एनर्जी ना बस बिजी रहने में निकल गई, आपने प्लान नहीं किया है चीज़ों को और प्लान करके टाइमली कर नहीं रहे हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि ये काम हो जाएगा और जब उस काम को करने का टाइम होता है तब आप करते नहीं हैं, और जब बिल्कुल लास्ट मिनट रह जाती है ना उस काम को करने की, देन यू रश दैट आई हैव टू डू दिस वर्क नाउ। सो ये कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो ये बताते हैं कि आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। अब टाइम मैनेजमेंट नहीं सही से मैनेज करने के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपका काम और आपकी जो वेल बीइंग है वो एंटायरली इफेक्टिव हो जाती है जब हम पुअर टाइम मैनेजमेंट रखते हैं तो। लेकिन इसको करें कैसे? देखिए, कुछ लोग इस काम को बहुत बखूबी कर लेते हैं बिकॉज दे हैव दिस क्वालिटी इन बिल्ट। लेकिन अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें साइड में बैठ जाना है, हमें भी वो क्वालिटी अपने अंदर इनकलकेट करनी है। तो कैसे? बाय मेकिंग इट एज एन हैबिट। अब हैबिट एकदम से तो पड़ेगी नहीं, बट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द हैबिट कि हम इस हैबिट पर काम कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन इस हैबिट पर होगा और अपने जो भी चीज़ें हैं उनको, गोल जो भी हमें बनाया हुआ है उसको हमें बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेकआउट करना होगा ताकि हम छोटे छोटे से काम कर सकें। एक छोटी छोटी सी स्टेप अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम टॉप पर पहुँच ही जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के ना बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपना काम विद इन द टाइम फ्रेम लिमिट जो कर पाते हैं तो उससे आपको ना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आती है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड कंप्लीटिंग वर्क विद इन टाइम गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। दैट कॉन्फिडेंट बूस्ट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस टू वर्क, टू मूव अहेड, टू प्रोग्रेसिवली वर्क अहेड, सो दैट ये ना आपके वेलबींग में, आपकी काम की जो निपुणता है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। टाइम मैनेजमेंट helps you in accomplishing more work in little time. टाइम मैनेजमेंट में आप टू डू लिस्ट बनाते हैं और जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आपके बैक टू बैक आपको काम पता होते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। सो इन दिस वे यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जब आप काम करते हैं तो यू आर मोर रिलैक्स्ड फ्रॉम माइंड। अगर आप मेंटली रिलैक्स होंगे देन यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर सराउंडिंग्स। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट मैथड्स की। अब सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स भी साइंटिस्ट ने बनाए हैं। ये आपको चूज़ करना है कि कौन सा मेथड आपके लिए होता है। सो फर्स्ट टेक्निक इज अ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में होता ये है कि आपको ये गोल जो है अपना गोल सेट करना है और गोल सेट करके 25 मिनट्स तक के लिए उस काम के अंदर लगना है। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस टेक्निक और इस टेक्निक में ये कहा गया है कि जो ब्रेन है उसकी फोकस करने की कैपेबिलिटी 25 मिनट्स की ही होती है। इसके बाद 25 मिनट्स के बाद जो है हमारा माइंड जो है फोकस नहीं कर पाता किसी भी एक चीज़ के ऊपर। सो इसके लिए टेक्निक ये है कि आप अपना अलार्म सेट कीजिए 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स पर जैसे ही अलार्म बजता है तो अपने आप को 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए एंड देन अगेन सिट फॉर नेक्स्ट 25 मिनट्स। अब तीन चार ऐसे साइकिल, यानी कि 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स और 25 प्लस 5 मिनट्स के बाद में अपने आप को ब्रेक दीजिए फॉर 15 टू 20 मिनट्स सो दैट यू कैन गेन द एनर्जी एंड यू कैन रिटर्न बैक योर फोकस अगेन, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। सो बेसिकली इसका मतलब है कि अपने आप को 25 मिनट्स 25 मिनट्स के फ्रेम में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज
18 मिनट्स टेक्निक, ये जो 18 मिनट्स टेक्निक है ये दी थी पीटर बगम ने, और इन्होंने कहा कि अपने फोकस को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इसके अकॉर्डिंग हर सुबह 5 मिनट के लिए रिलैक्स बैठिए, और उसमें आपको ये लिखना है कि आपको कौन कौन से काम ऐसे करने हैं सो दैट यू हैव स्पेंट योर डे सक्सेसफुली। तो जब आप उन कामों को पूरा कर लेंगे ना पूरे दिन के अंदर, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट और आपको एक अच्छा फीलिंग होगी और आप एक अच्छी सुबह के साथ अगली सुबह उठ पाएंगे। देन सेट अलार्म फॉर एवरी आवर, और हर आवर के बाद में अपने आप को एनालाइज कीजिए कि जो लास्ट वन आवर था क्या मैंने वो प्रोडक्टिवली वर्क किया है या टाइम वेस्ट कर दिया है। तो इन दिस वे यू कैन चेक योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस कि आप कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से, आपने ध्यान दिया, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आप सेल्फ चेक कर रहे होंगे बेसिकली कि आपने कितना टाइम सोशल मीडिया पर या अदर डिस्ट्रैक्शंस में लगा दिया। थर्ड टेक्निक इज कोप। दिस टेक्निक इज क्लियर ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंट टेक्निक सजेस्टेड बाय पैगी डंकन्स। जो कोप टेक्निक है इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो डे है वो ऑर्गेनाइज करना है, और आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसको मोस्ट प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अपने टास्क जो हैं उनको प्रायोरिटी के अंदर करना है कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कर लीजिए, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको सबसे बाद में करना है। इसके अंदर एक एडिशन और भी है कि आपको जो भी मेन टास्क करना है उसके अंदर मल्टीटास्किंग नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट लाइक इफ़ यू आर रीडिंग तो रीडिंग करते करते आप कुछ और भी कर रहे हैं, या आप अपने लैपटॉप पर अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते आपने टीवी देखना है, आपने अपने सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, वो सब नहीं करना है। मल्टीटास्किंग इज नॉट गुड स्पेशली फॉर दोज वर्क विच नीड लॉट ऑफ फोकस। नेक्स्ट इज ABC एंड पारेटो एनालिसिस। दिस एनालिसिस सेज कैटेगराइज योर टास्क अकॉर्डिंग टू द ABC लिस्ट। इसमें यह होता है कि आपको ए कैटेगरी में उस काम को रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी, कैटेगरी बी में उन कामों को रखिए जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसके अलावा सी जो है वो कैटेगरी वो है जिसमें अनइम्पॉर्टेंट वर्क जो कि अर्जेंट नहीं है उनको रखना है। सो बेसिकली सेल्फ अंडरस्टोर है कि आपको वो काम जो कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले करने हैं, और उसके बाद प्रायोरिटी बेस पर अपने कामों को चूज करना है। अपने फोकस और डिस्ट्रैक्शंस पर वर्क कीजिए, अपना फोकस इम्प्रूव कीजिए और डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि फॉर मी सोशल मीडिया इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप बार बार YouTube पे तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक मैसेज देखा और उस एक मैसेज को देखने के बाद बस आप वो 15 मिनट्स और 20 मिनट्स और हाफ एन आवर कहाँ चला गया पता ही नहीं पड़ा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर दिस मैटर लाइक आई एम यूजिंग सैमसंग फ़ोन, तो उसमें वेल बीइंग की एक सेटिंग है, अगर वो सेटिंग्स अप्लाई करती हूँ तो उस सेटिंग्स के अंदर जो एक्स्ट्रा मेल्स और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ट्विटर ये सब आते हैं ये सब हाइड हो जाते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम जो कि मैंने उसमें फिल किया होता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टूल हो जाती है। उसमें मैं अपना टाइम भी सेट कर सकती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया कि फॉर अ डे मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करूँगी, तो जैसे ही हाफ एन आवर कंप्लीट होंगे ये बंद हो जाता है। ऑल्दो यू कैन इंक्रीज दैट लिमिट इफ़ यू वॉन्ट टू, बट डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू दैट पैटर्न कि एक बार अगर वो ऑफ हो गया है तो मैं उसके बाद उस दिन उसको चालू ना करूँ। इससे क्या होता है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी जो प्रेजेंस होती है ना, हमें जो बार बार अर्ज होती है चेक करने की, वो अर्ज थोड़ी सी ना कम हो जाती है, तो हम फोकस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दिस फोकस हैज़ बीन डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्लान योर डे इन एडवांस। अगर आप अपना डे ना एडवांस में प्लान कर लेते हैं, अपना लिस्ट बना लेते हैं कि आपको क्या क्या काम करने हैं और किस तरीके से किसके दिन वो काम करेंगे, वॉट नेक्स्ट टू डू वाली चीज़ नहीं होती है, एक आप अपने काम भूलते नहीं हैं क्योंकि आपको याद नहीं रखने पड़ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी रिटर्न, और जब भी आप वहाँ पर देखते हैं तो वो देखकर आप बता सकते हैं कि अच्छा ये काम हो गया है और ये काम अभी बाकी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस सिंस लास्ट 1.5 ईयर, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम जो कि मैं भूल जाया करती थी अब वो नहीं भूलती हूँ, और छोटे छोटे से काम भी हैं तो वो सब याद रहते हैं। एंड व्हेन देन टिक मार्क, मैं फ़ोन पर यूज़ करती हूँ ये चीज़, तो मैं सैमसंग नोट्स में यूज़ करती हूँ, तो जब वो टिक मार्क लगता है ना जिस भी काम को हम करते हैं, दैट गिव्स इमेंस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन कि हमने ये काम कर लिया है। ये एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया हो गया। अब आप अपने आप को अगर टाइम मैनेजमेंट को करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन यूज़ टाइम मैनेजमेंट एप्स एंड टूल्स, यू कैन मेक योर ओन पर्सनल जर्नल जिसमें आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है, और अगर आप अपने आप को वो काम कर लेते हैं तो कोई रिवॉर्ड भी दीजिए
फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग टू गो टू जिम सिंस लॉन्ग, और अगर आप उस दिन पूरा जिम में अपना वर्कआउट अच्छे से कर पाते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए जस्ट ऑफ हैविंग a single chocolate or maybe a movie of your choice. So these small rewards can make you even more eager to fulfill your work. Post-it notes, notepads, schedule templates, bullet journals and other paper form of time management are there. Dedicated to-do list hoti hain. Aap chahe to net par se bhi to-do list ke liye unko download kar sakte hain. You can alter them accordingly, custom made bhi kar sakte hain. To jo print out hote hain aur ek aisi jagah par laga ke rakhiye jaise ki for example in the washroom mirror और समवेयर जहाँ बहुत बार दिन में चेक करते हैं तो उस जगह पर लगा के रखेंगे तो यू विल बी कॉन्स्टेंटली चेकिंग दैम कि आपने ये काम करना है और कर लिया या नहीं करा. फॉर मी व्हाट चूज बेस्ट इज कि मेरा फ़ोन मेरे साथ हमेशा रहता है तो आई एम यूजिंग दैट सैमसंग नोट वाला टूल. अभी कोई ऐप नहीं लिया है बट सैमसंग नोट्स भी मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो रहे हैं क्योंकि उसमें मैं अपना प्रॉपर स्केड्यूल और वर्क टू डू लिस्ट सब कुछ उसमें लिख पाती हूँ. So I hope you will understand how important time management is and how you can manage your time via different tools. So try to manage your time as much as possible and achieve your goals successfully. Thank you so much.